हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो पटवारी का एग्जाम आ गया है और आज हम करेंगे पटवारी का मॉडल पेपर नंबर 2। सुपर फास्ट टेस्ट सीरीज है ये, पहले वाला नहीं देखा तो देख लीजिए। सुपर फास्ट यानी इसमें कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम कवर करते हैं ताकि आपका स्पीड के साथ रिविजन होता रहे। और एक डेली लाइव टेस्ट करते हैं रात को 8 बजे राजस्थान जीके का, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो पटवारी का दूसरा पेपर है। इसके अलावा एक मोस्ट इंपोर्टेंट, क्लास शुरू करने से पहले अनकेडमी पर 10 और 11 को 2 मैराथन सेशन चल रहे हैं, जहां पर आपको ढेर सारे एमसीक्यूज टेस्ट सीरीज है वो करवाई जाएगी। मेरी भी क्लास होगी जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। यानी ये एक मैराथन सीरीज है जिसमें 2 शनिवार को होगा विजयपद के नाम से, यानी आरएएस रीट एसआई पटवार का पीवाईक्यूज यानी पीछे के एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं उनकी सीरीज है। और संडे को यानी 11 को यहाँ पर ज्ञानमंच के नाम से सीरीज शुरू होने वाली है जिसमें आरएएस रीट एसआई पटवार की थ्योरी और एमसीक्यूज का सेशन है। वहां पर एक क्लास नहीं है, कम से कम 500-600 क्लास होगी, तो यानी 4-5 हजार क्वेश्चन डेली कवर करवाए जाएंगे 2 दिन में, 11 तारीख और 10 जुलाई को, यानी कल और परसों। तो रेडी रहना है, मेरी क्लास भी आपको मिल जाएगी। कम्युनिटी पोस्ट में मैंने लिंक डाल दिया है और भी मैं ग्रुप में लिंक डाल दूंगा। और मेरी स्पेशल क्लास संडे वाली मत भूल जाना, सुबह 10:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक 4 घंटे हम कंटिन्यू राजस्थान का आर्ट कल्चर करेंगे, जिसमें टॉप 500 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं वो हम कवर करने वाले हैं। राइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि वागड़ बोली राजस्थान के कौन से जिले में बोली जाती है। वागड़ी बोली जो बोलते हैं ये डूंगरपुर में, और डूंगरपुर के अलावा अगर आप कहें तो बांसवाड़ा में बोली जाती है। और आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि इसी बोली को जॉन अब्राहम ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया था। ठीक है, भीली बोली कहा था। अच्छा, रम्मत क्या है, रम्मत किसका नाम है? रम्मत एक लोकनाट्य का नाम है। कहाँ का प्रसिद्ध है ये लोकनाट्य? ये बीकानेर का प्रसिद्ध आता है, यानी 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं? गोकुल बाई भट्ट को कहते हैं। और कमेंट करके बता दीजिए कि गोकुल बाई भट्ट ने किस प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना की थी। और भोगीलाल पांडे जी को क्या कहते हैं? क्या इन्हें वागड़ का गांधी कहा जाता है? क्या इनको वागड़ का गांधी कहते हैं जिन्होंने जी सिरोही प्रजामंडल की? भोगीलाल गोकुल बाई भट्ट ने, क्या बात है, वेरी गुड। और अगला क्वेश्चन है कि मुगलों ने सबसे पहले वैवाहिक संबंध किससे स्थापित किए थे? मुगलों के सबसे पहले वैवाहिक संबंध स्थापित हुए थे 1562 के दौरान और कच्छोंवश के शासक यानी आमेर के शासक भारमल के साथ हुए थे। उनकी बेटी हरकाबाई का विवाह हुआ था। किस झील के किनारे पर हुआ था वो कमेंट करके आप बताओ। पांचवे की डूंगरपुर बांसवाड़ा का प्राचीन नाम क्या है? इनको दोनों को संयुक्त रूप से वागड़ क्षेत्र यानी वागड़ क्षेत्र कहते हैं। सी आपका सही है। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य बता दीजिए। घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है, गरबा तो है गुजरात का, और बिहू आप जानते हैं, कमेंट करके बताओ बिहू किस राज्य का लोक नृत्य आता है। अगला कि जम्बेश्वर जी का मेला राजस्थान में कहां पर होता है? जम्बेश्वर जी का मेला यानी जाम्बू जी का मुकाम इनकी मुख्य पीठ है। बिश्नोई संप्रदाय की शुरुआत की थी। पीपासर में इनका जन्म होता है, पीपासर नागौर में आता है जहां पर इनका जन्म हुआ था। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से इनको जानते हैं। सागड़ी प्रथा का दूसरा नाम क्या है? सागड़ी प्रथा को हम और क्या कहते हैं? बंधुआ मजदूरी कह देते हैं। बंधुआ मजदूरी भी आपका ठीक है। भारत के किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः काल बैसाखी हवाएं चलती है? काल बैसाखी जो हवाएं चलती है ये दोनों जगह पर चलती है, असम में भी और पश्चिम बंगाल में। सी कर दीजिए सही आंसर। अगला है कि इनमें से कौन सा जोड़ा जो है वो आपको राजकीय स्थानों पर कहां पर आर्द्र जलवायु अनुभव होती है? आदर जलवायु वाला एरिया बताना है कि कौन कौन सा है, अहमदाबाद, कोची, लुधियाना या तेजपुर, कौन कौन सा है इनमें से? तो इसमें आप कोचीन भी कह दिए, तेजपुर दोनों ही आते हैं। ठीक है, कोचीन और दोनों आते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमारे आंसर जो है वो कौन सा सही है, पहला दूसरा दोनों जो है वो सही हो जाएंगे। ठीक है, यानी पहला और दूसरा दोनों आपके सही है। चलिए मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ, आपको चीजें समझ में आ जाए। 2 नंबर और 4 नंबर जो है वो इसका सही आंसर है, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा भी इसका सही है। ओके, और अगला क्वेश्चन आपका है कि काराकोरम राजमार्ग है वो कौन से 2 देशों को जोड़ता है? काराकोरम राजमार्ग है पाकिस्तान को और चीन को, पाकिस्तान चीन को, यानी डी आपका सही आंसर। अगला है कि आपको बताना है कि 4 आपको एरिया दे रखा है, इनकी का आपको मिलान करना है। चलिए अभी क्वेश्चन आपको सही दिख रहा होगा, थोड़ा सा और सही कर देता हूं मैं। ओके, ये भी दिख रहा है आपको, थोड़ी स्क्रॉल। ओके, आप इनको मिलान करना है। ठीक है, तो मिलान कीजिए कौन सा जोड़ा आपको सही लग रहा है। डेक्कन ट्रिप कहां पर आएगा? ठीक है, 1 नंबर में क्या आएगा? डेक्कन ट्रिप की बात करेंगे तो क्रिस्टन आदिमूल का है, यानी 3 नंबर कर दीजिए। पश्चिमी घाट की बात करेंगे तो उत्तर नूतन का है, यानी 1 कर दीजिए। और अरावली की बात जानते हैं, प्री कैम्ब्रियन का है, यानी आप 4 आप करेंगे। और नर्मदा का अगर आप करेंगे तो डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी कुल मिलाकर कह दीजिए
प्री कैम्ब्रियन का होगा, सॉरी प्री कैम्ब्रियन का अरावली का दो नंबर होगा, प्री कैम्ब्रियन क्लब की है, बी हो जाएगा आपका राइट आंसर है। अगला है कि रबी की फसल का सही युग्म कौन सा है, रबी की फसल का सही जोड़ा बता दीजिए। गेहूं सरसों है, गेहूं और सरसों आता है। सरसों के उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर आता है और रबी के मामले में राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन जो होता है रबी की फसल के मामले में वो कहां पर होता है, गेहूं का ही उत्पादन होता है गंगानगर के एरिया में। चलिए पीउना किस जीव की प्रजाति है, पीउना जो है वो सांप की प्रजाति का नाम है, डी आपका सही है। अगला एक विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट पाया जाता है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट है पलाना में, आप पलाना बताओ जयपुर में है, बीकानेर में है, बाड़मेर में, कौन सी जगह पर रिकमेंड करके बता देना। अगला कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई जो होती है किससे होती है, सबसे ज्यादा सिंचाई होती है कुएं नलकूप से, और कुएं नलकूप से सर्वाधिक ज्यादा होती है जयपुर जिले में, सबसे ज्यादा होती है जयपुर में सर्वाधिक है। दो नंबर पर नहरें हैं गंगानगर में, तीन नंबर पर तालाब है जो कि भीलवाड़ा में होती है। अगला क्वेश्चन आपका है कि राजस्थान में वर्ष 2011 में साक्षरता दर क्या रहा था, 66.1% साक्षरता दर था। और राजस्थान में सरसों तेल का प्रमुख उद्योग केंद्र बता दीजिए, सरसों तेल सेवर आपको याद है भरतपुर में, सेवर मुख्य केंद्र आता है भरतपुर, डी आपका सही है। अगला है कि राजस्थान में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो तीन राष्ट्रीय उद्यान आते हैं। और अगला है कि राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, जयसमंद झील है जिसे हम ढेबर झील भी कह देते हैं, उदयपुर में आती है जो कि गोमती नदी का पानी रोककर जयसिंह का निर्माण करवाया था। राजस्थान में कम वर्षा होने के कारण अरावली पर्वतमाला की निम्न में से कौन सी स्थिति के कारण है, राजस्थान में कम वर्षा होती है क्योंकि इसका अरावली का जो विस्तार है वो दक्षिण पश्चिमी मानसी हवाओं के समानांतर होने की वजह से नहीं हो पाती, तो एक आपका सही है। इनमें से किस फसल का सर्वाधिक पानी की आवश्यकता होती है, सबसे ज्यादा पानी की जो आवश्यकता होती है वो कौन सी फसल की होती है, गन्ना को होता है। अब ये बताइए कि राजस्थान के कौन से भूभाग में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक होता है, दक्षिणी दक्षिणी पूर्वी भूभाग में या उत्तरी भूभाग में, किस में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक होता है, इनमें से कौन सी जगह है जहां पर वायडा नहीं है, जयपुर में है, कोटा में है, जैसलमेर में है, जालोर में नहीं है, तो डी आपका सही है। अगला कि चंबल नदी किस जिले में नहीं बहती है, चंबल नदी इनमें से कौन से जिले में नहीं बहती, जल कोटा में बहती है, बारा जिले में नहीं जाती है, कोटा से बूंदी हो जाती है, सवाईमाधोपुर है, करौली है, चित्तौड़गढ़ है, लेकिन बारा जिले में नहीं है। अगला कि राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान बता दीजिए, राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो बना था वो रणथंभौर वाला बना था, कमेंट करके आप बताइए कि रणथंभौर में पहली बाघ परियोजना भी है, ये बाघ परियोजना है कब की। चलिए भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाते हैं, उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए किस फसल का उड़द का यूज किया जाता है, सी आपका सही है। बाड़मेर में तेल निकालने के लिए कौन सी कंपनी कार्यशील है, कौन सी कंपनी काम कर रही है बाड़मेर में, केन एनर्जी कर रही है, राजस्थान में सर्वाधिक तेल बाड़मेर के एरिया में ही निकलता है। राजस्थान में क्षेत्र के आधार पर सबसे छोटा जिला कौन सा, इससे आसान तो क्या ही हो सकता है, सबसे बड़ा जैसलमेर है तो सबसे छोटा धौलपुर है, आप कमेंट करके बताओ धौलपुर से जैसलमेर कितना गुना ज्यादा बड़ा है। चलिए इनमें से किस नदी का जल अंतर बंगाल की खाड़ी में गिरता है, बंगाल की खाड़ी में कौन सी, बनास नदी जाती है, बनास नदी बंगाल की खाड़ी में है, माही और लूणी जो है ये दोनों अरब सागर में आती है, अरब सागर में आती है, और गगर नदी आंतरीय जल प्रवाह का हिस्सा आती है। अगला कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे आता है, ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से, यानी बी आपका राइट आंसर। चलिए सेकावाटी का गांव कटरा तक जो है जहां पर अप्रैल यानी 25 अप्रैल 1934 को किसने हजारों जाट महिलाओं के आंदोलन भाग लिया था, नेतृत्व किया था, तो किशोरी देवी ने किया था, बी आपका ठीक है। अगला कि इनमें से किस शासक के राज्य काल में के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ का उत्खनन करवाया गया था, दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला शासक विग्रहराज चतुर्थ था जिन्हें हम कवि बांधव कहते हैं। अच्छा इन्होंने एक नाटक की रचना की थी संस्कृत भाषा में, कौन सा नाटक था कमेंट करके बता दीजिए। राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसे माना जाता है, महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक मानते हैं। राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था, तो बयाना के युद्ध में हराया था, खानवा के युद्ध में, बाद में राणा सांगा खुद है वो हार जाते हैं। सोंती सब का कहां, सोंती एक सभ्यता का नाम है, कहां पर है, बीकानेर में, इसे कहते हैं कालीबंगा प्रथम कहा जाता है। चलिए आपको जोड़े को सुमिलित करना है तो जोड़े को सुमिलित कर दीजिए, ठीक है। किसका संबंध किस किस क्षेत्र से आता है, सावित्री देवी का संबंध जो है वो कौन से क्षेत्र से आता है, सावित्री देवी जोधपुर से, यानी पहले में दो आना चाहिए, यानी ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, आंसर तो निकल गया। भक्ति देवी का संबंध उदयपुर से है, लक्ष्मी जी का संबंध जो है वो कहां से आता है, इनका संबंध बीकानेर से, और कुसुम गुप्ता का कोटा से, यानी तीन नंबर आपका सही है। अगला कि 1857 में आउवा के किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई थी, यानी आउवा के किले पर उनका सर काट कर लटका दिया गया था, मोक मेसन का, जो कि उस समय मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे।
अगला कि जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग के बारे में कहा था कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान की दाढ़ी के एक बाल के बराबर नहीं समझता। रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था जब उन्होंने हमीर देव चौहान के टाइम पर दूसरी बार आक्रमण किया था। अगला है कि इनमें से कौन सा स्थान है वो 1807 की क्रांति का केंद्र नहीं था। जयपुर नहीं था, जयपुर में क्रांति नहीं हुई थी, बाकी सब जगह हुई थी। और इसका एक क्वेश्चन और याद रखेंगे, एकमात्र राजस्थान की रियासत जहां पर जनता ने भी क्रांतिकारियों का सहयोग नहीं किया था वो जयपुर रियासत की आती है। उत्तरी भाग का पहला रावण मंदिर कहां पर है? पहला रावण मंदिर बना हुआ है पुष्कर में। उत्तरी भाग का पहला रावण मंदिर कहां पर है? पुष्कर में बना हुआ है। ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, पुष्कर के अलावा ये जोधपुर में है। पहला पुष्कर में याद रखेंगे, पुष्कर में है, पुष्कर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो जोधपुर सही कर दीजिए। जोधपुर में है ही नहीं, रावण का मंदिर एक जगह है, सॉरी माफ कर दीजिएगा, मैं विष्णु जी के मंदिर में पहुंच गया हूँ, माफ कर दीजिए मुझे। जी जी, मेरा माइंड कहीं और चला गया था। और बिल्कुल ठीक, रावण का ससुराल मंडोर था, जोधपुर के मंडोर में एक ही तो है रावण का मंदिर। बिल्कुल मंडोर जोधपुर में सही आंसर है। सॉरी मैं विष्णु जी वाले में चला गया था, सॉरी ब्रह्मा जी के में चला गया था, कि ब्रह्मा जी का मंदिर जो है वो पुष्कर में है और बाद में बाड़मेर आसोत्रा में बना हुआ है। तो ये रावण का मंदिर है और ये सही है, तो इस पर ध्यान मत दीजिएगा। दोबारा पढ़ता हूं मैं, अगर आप कंफ्यूज हो गए हैं तो, उत्तरी भारत का रावण मंदिर कहां पर है? मंडोर में, और मंडोर जोधपुर के अंतर्गत आता है। किस शासक की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया, यानी धर्म विरोधी दरवाजा टूट गया? जसवंत सिंह की मृत्यु, जो कि मारवाड़ के शासक हुआ करते थे। गाय की वह कौन सी नस्ल है जिसमें दी प्रयोजनार्थ यानी दूध व बैल की तरह पाली जाती है? कौन सी प्रयोजन है? कांकरेज। और आप बताएंगे कांकरेज नस्ल का क्रय विक्रय कौन से पशु मेले में सर्वाधिक होता है, कॉमेंट करके बता दो। चलिए ये बताइए कि राजस्थान में प्रकाशित सबसे पहले साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था सज्जन कीर्ति सुधारक, किसने प्रकाशित किया था, कमेंट करके बता दो। अगला कि पोथीखाना संग्रहालय कहां पर बना? पोथीखाना संग्रहालय बना हुआ है जयपुर में, बी आपका सही है। अगला कि राजस्थान के एकीकरण से पूर्व कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश था जिसका शासन अंग्रेजों से सीधे नियंत्रण में था? राजस्थान में एक ही है अजमेर मेरवाड़ा, जो केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया वाले क्वेश्चन का आंसर दे दो। अजमेर जब केंद्र शासित प्रदेश था तो वहां पर उस टाइम पर एक विधानसभा हुआ करती थी जिसको धारा सभा कहते थे, उसमें सदस्य कितने होते थे और वहां के एकमात्र जो मुख्यमंत्री रहे थे पहले और अंतिम वो कौन थे, कमेंट करके बताना। अगला कि राजस्थान में राज्य में चुनाव आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? चुनाव आयोग का जो गठन किया गया था ये 1994 के दौरान 73वां-74वां संविधान संशोधन होने के बाद में। राज्य विधानसभा के चुनाव की पहली बार कब हुआ था? पहली बार चुनाव हुआ था 52 से 57 पहला टाइम पीरियड रहता है। और अगला है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में है, ठीक है, और अश्व अनुसंधान केंद्र बारा में है, केंद्रीय नस्ल सुधार चित्तौड़गढ़ में है, और भेड़ अनुसंधान केंद्र चूरू में। सही एक ही है, पहला ही है, राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बीकानेर में, पहला सही हो जाएगा। किस खंड में सोयाबीन की खेती महत्वपूर्ण स्थान रखती है? सोयाबीन की खेती जो होती है ये आदर दक्षिणी पूरी मैदानी खंड में होती है, आदर दक्षिणी पूरी मैदानी खंड में, चार आपका ठीक है। अगला है कि सुमेलित करना है आपको जोड़ों को, ठीक है, मशीनें दे रखी है, अलग अलग का उत्पादन दे रखा है कि कहाँ पर किया जाता है, कहाँ पर बनाए जाते हैं, तो बताइए जरा। हिंदुस्तान मशीन चूज कहाँ पर है? अजमेर में है, यानी पहले में तीन आना चाहिए। सफेद सीमेंट का कारखाना जो बना हुआ है सफेद सीमेंट का, वो कहाँ पर है? सफेद सीमेंट का कोटा नागौर में भी है, जोधपुर में भी है, कोटा में भी है, तो कोटा ऑप्शन में दे रखा है। उर्वरक जो है वो गड्डेपान में है, और विद्युत मीटर जयपुर के बनते हैं, ठीक है, राइट आंसर यानी पहला ही आपका सही हो जाएगा। एक और बता दीजिए कि 13वीं शताब्दी में राजस्थान में माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा के मंदिर किसने बनाए थे? माउंट आबू में जो दिलवाड़ा के मंदिर है उनका निर्माण करवाया था तेजपाल जी ने, यानी डी आपका राइट आंसर। तो फटाफट बताओ आपकी इन 10 मिनट में आपने 51 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। पीडीएफ कहाँ से? टेलीग्राम चैनल से लेनी है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ पर है? वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, या फिर सर्च कर लेना प्रहलाद सारण सर के नाम से, सारी वीडियो आपको, सारी पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगी। लाइक जरूर कर दीजिए अगर आप चाहते हैं कि सुपर फास्ट टेस्ट सीरीज हम रोजाना एक करते रहें, क्योंकि इसका फायदा यह है कि कम समय में आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। और शाम को 8 बजे रेडी रहना, लाइव टेस्ट करेंगे। थैंक यू।